नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज का वीडियो सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हुए प्रत्येक कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक न्यू और बम्पर वैकेंसी का अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है श्रम विभाग नई भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, फाइनली लेबर ऑफ डिपार्टमेंट के अंतर्गत न्यू एवं बम्पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए सुपरवाइजर, सफाई कर्मचारी, DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्सिंग और ऑफिसर जैसे काफ़ी अधिक पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं पास प्रत्येक कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस वैकेंसी की मुख्य विशेषताएं है कि इसमें आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा नहीं होगी, बिल्कुल सीधी वैकेंसी के आधार पर इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों तो यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम आप सभी श्रम विभाग की तरफ से निकाली गई न्यू एवं बम्पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो कि दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारी को पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यह वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स के बेस पर आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत आप सभी की जॉब लोकेशन डिपार्टमेंट ऑफ लेबर न्यू दिल्ली रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी का विभाग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन आप सभी के लिए इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड यानी कि ICSIL देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी की जॉब लोकेशन आप सभी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर न्यू दिल्ली के तहत देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि दोस्तों यह वैकेंसी पूर्ण रूप से ही श्रम विभाग के अंतर्गत निकाली गई है। तो आइए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको एक एक करके इस वैकेंसी के अंतर्गत निकाले गए पदों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों तो श्रम विभाग के अंतर्गत निकाली गई न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के यदि सबसे पहले हम सभी ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया LTD यानी कि ISCIL के द्वारा इस बम्पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए नर्सिंग अटेंडेंट, सुपरवाइजर, DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, सफाई कर्मचारी और टेक्निकल ऑफिसर जैसे काफ़ी अधिक पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर जिले से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियां बूथ उम्मीदवार इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जॉब लोकेशन आपकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर न्यू दिल्ली यानी कि श्रम विभाग न्यू दिल्ली रहने वाली है। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं पास प्रत्येक कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित की गई है, यानी कि दोस्तों आप सभी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि इसके पश्चात अब हम पदों की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, श्रम विभाग के अंतर्गत आप सभी के लिए काफ़ी विभिन्न पद देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत कुल मिलाकर 19 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए नर्सिंग अटेंडेंट के 9 पद देखने के लिए मिल जाएंगे, सुपरवाइजर का आप सभी के लिए 1 पद देखने के लिए मिलने वाला है और अकाउंटेंट का भी आप सभी के लिए 1 पद देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं दोस्तों सफाई कर्मचारी के आप सभी के लिए 3 पद देखने के लिए मिल जाएंगे और टेक्निकल ऑफिसर का भी आप सभी के लिए 1 पद देखने के लिए मिलने वाला है और रिसेप्शनिस्ट का भी आप सभी के लिए 1 पद देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आप सभी इस टेबल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि कितने पदों के लिए कितनी वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। अब दोस्तों यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, यदि आप सभी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं पास हैं, तो आप सभी इन पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, प्रत्येक पदों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते होंगे। अब दोस्तों यदि हम एज लिमिट की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत प्रत्येक पदों के लिए आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। लेकिन दोस्तों यदि आप सभी सुपरवाइजर और रिसेप्शनिस्ट पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। अब दोस्तों यदि हम इसके पश्चात सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसीज के अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन बिल्कुल सीधी भर्ती के आधार पर होने वाला है,
जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी का कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। बिल्कुल सीधी भर्ती के आधार पर इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी के अंतर्गत सर्वप्रथम आप सभी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यदि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में होगा तो उसके पश्चात आप सभी के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जो कि आप सभी के लिए इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। इंटरव्यू के पश्चात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर इस वैकेंसी के अंतर्गत सफलतापूर्वक ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, तो यदि इसके पश्चात अब हम वेतन विवरण यानी कि सैलरी डिटेल की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सभी इन पदों पर चयनित हो जाते हैं तो आप सभी के लिए पर मंथ 17,000 से लेकर 21,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब दोस्तों, यदि हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, आप चाहे किसी भी जाति से आते हो, आप सभी 590 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि हम इम्पोर्टेंट डेट यानी कि महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 20 तारीख से कर दिया गया है और आप सभी 31/5/2024 तक इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि अंतिम चरण में अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको नीचे दी गई इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के पश्चात संपूर्ण डिटेल्स को दर्ज करने के तहत आप सभी इस वैकेंसी के अंतर्गत सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सभी के लिए अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप सभी के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी सबसे पहले ही प्राप्त हो सके।